बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती हैं वह रमा के नाम से विख्यात हैं। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली हैं। पूर्व काल में मुचुकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए। उनके वहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंडोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे, कोई भी भोजन न करे। ये डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभो मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी घोड़े हाथियों के बच्चे तथा अन्यान्य पशु भी अन्न घास तथा जल तक का आहार नहीं कर पाते, फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं। प्राणनाथ यदि आप भोजन करेंगे तो आपको बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शीघ्र ही आसन में उठकर खड़े हो गए। शोभन ने कहा, प्रिय तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। सुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई, जो हरि पूजा परायण था, जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचुकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारिलौकिक कर्म करके पिता के ही घर में रहने लगी। नृपश्रेष्ठ रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंद्राचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहाँ शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचुकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए, वहाँ उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विजशेष सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रम से अपने ससुर राजा मुचुकुंद का प्रिय पत्नी चंद्रभागा तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन वहाँ सबकी कुशल है, यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई। शोभन बोले, द्विजश्रेष्ठ कार्तिक के कृष्ण पक्ष की जो रमा नाम की एकादशी होती है उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। हाँ, मुचुकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचुकुंदपुर में गए और वहाँ चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, सुबह मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्दर्श नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बतलाते थे, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्राह्मण से मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहाँ ले चलिए, मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वारिसी के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया था, उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदनंतर चंद्रभागा ने हास में भरकर अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, नाथ मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी का व्रत किए हैं
और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित व्यवो से समृद्धिशाली होगा। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमाव्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोव्रतों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों का पापनाशक महात्म्य बताएं। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है वैसे शुक्ल पक्ष की भी है, उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफ़ेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक सा ही होता है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियाँ समान फल देने वाली हैं। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का माध्यम सुनता है वह सब पापों से मुक्त होता है। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।